नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKT स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में ग्राम समाज एवं विकास खंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इसका पार्ट वन पढ़ चुके हैं, आज इसका पार्ट टू है। तो यदि अभी तक आपने पार्ट एक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आज इसका पार्ट टू है। देखिए दोस्तों, इस खंड से जो है राजस्व लेखपाल हो या चकबंदी लेखपाल हो, उसमें एक खंड जरूर रहता है। मतलब यदि प्रश्न पत्र चार भागों में डिवाइड रहता है तो एक भाग पूरा ग्राम समाज एवं विकास चैप्टर से रहता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश आज पार्ट दो है, जो राजस्व और चकबंदी लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, BM व्यास समिति किससे संबंधित है? तो देखिए, इसका जो होगा आपका BM व्यास समिति जो है, यह कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से है। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो BM व्यास जो है वह किससे संबंधित है? तो देखिए, यह जो है कृषि एवं ग्रामीण विस्तार से संबंधित है, यानी पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से है। अगला देखते हैं, समुच्च कृषि क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो बताइए, समुच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो देखिए, इसका जो होगा डी विकल्प सही होगा, अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में जो है समुच्च कृषि अपनाई जाती है, अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। तो देखिए, इसका जो होगा आपका सी विकल्प सही होगा। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो है कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2001 को किया गया था, इसको याद रखिएगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, चौथे का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1965 से 66। तो अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम जो है 1965 से 66 में प्रारंभ किया गया था। तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आप डेली इसी तरह ग्राम समाज एवं विकास चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना जो की गई थी वह 1998 में की गई थी, तो इसको याद रखिएगा 1998 में। अगला प्रश्न देखते हैं, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो देखिए, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वह 1963 में शुरू किया गया था। तो सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1963 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ है। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा आपका डी विकल्प सही होगा, यानी केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण जो हुआ है वह लूनी श्री है। तो सात का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, लूनी श्री हो जाएगा। तो सात का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो है दियारा खेती की जाती है। तो आठ का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसको याद रखिएगा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो है दियारा खेती की जाती है। यदि दोस्तों आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश में कृषि नीति को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु
प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है? तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पंतनगर विश्वविद्यालय से है। तो देखिए कार्यक्रम कौन है, प्रयोगशाला से खेतों तक जो कार्यक्रम है यह पंतनगर विश्वविद्यालय कृषि संस्थान की देन है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो देखिए 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो है 50% प्राप्त करता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो देखिए इसका जो होगा आपका सी विकल्प सही होगा, भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण जो है वह 15 माह के लिए। तो देखिए इसका जो होगा आपका सी विकल्प सही होगा, 15 माह के लिए प्रदान किया जाता है। अगला देखते हैं, कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? तो देखिए इसका सी विकल्प सही होगा, पारिस्थितिकीय कृषि पद्धति जो है यह 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकीय कृषि पद्धति। तो देखिए इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो देखिए सघन पशु विकास कार्यक्रम जो है वह 1964 से 65 के दौरान चलाया गया। तो 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1964 से 65 के दौरान, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 प्रमुख उर्वरक उत्पाद संस्थाओं जैसे इफको हुआ, क्रिभको हुआ तथा IPL द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना है? तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, संकट हरण बीमा योजना, यानी जो इसका सही विकल्प होगा, देखिए इसका जो होगा संकट हरण बीमा योजना, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, जो इफको क्रिभको तथा IPL द्वारा चलाई जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 से कम, यही इसका सही विकल्प होगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो बताइए सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वह 1960 से शुरू किया गया। तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वह 1960 से शुरू किया गया, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, बताइए कहाँ की गई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी वह पंतनगर में की गई थी। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसको याद रखिएगा, पंतनगर में। यदि दोस्तों आप डेली इसी तरह ग्राम समाज एवं विकास से महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो हम डेली दोपहर 1 बजे प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला देखते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च जो स्थित है यह जो है जोधपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च जो स्थित है यह जोधपुर में स्थित है। अगला देखते हैं, अधोलिखित में किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो देखिए यह आसान प्रश्न है, यह सभी लोग जानते होंगे। तो देखिए मशरूम में जो है प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तो मशरूम। अगर देखिए यहाँ पर सोयाबीन दिया है, देखिए इसका जो होगा सही उत्तर सोयाबीन होगा, तो सोयाबीन प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। देखिए आप इसका जो जवाब है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमारे अनुसार तो सोयाबीन होगा लेकिन इसे मशरूम दिया है, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा
सोयाबीन में। देखिए दालों में भी होता है लेकिन दालों से अधिक सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। अगला देखते हैं, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वह नवंबर 2004 होगा, यानी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो किया गया था वह नवंबर 2004 में किया गया था। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि दोस्तों आप डेली इसी तरह प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं इसके अगले भाग यानी भाग 3 में। नमस्कार।